भावनाएं पैदा करनी पड़ेंगी जिनकी वजह से वो बलात्कार करने की कोशिश करे। और ये खास किस्म की भावनाएं तभी पैदा हो सकती हैं जब वो लड़की 20 या 30 साल के अंदर हो और वो खूबसूरत होनी चाहिए, एब्सोल्युटली चार्मिंग एंड सेक्सी। लेकिन ऐसी भावनाएं तो किसी बड़ी उम्र की औरत को देख के भी पैदा हो सकती है डॉक्टर स्क्रूवाला। मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं उस हत्यारे की बात कर रहा हूँ। ओह सर, यस सर, जैसे कि आपने कहा पुलिस डिपार्टमेंट से चुन चुन कर चार खूबसूरत लेडी ऑफिसर को मिलाया हूँ। गुड, सारी 20 से 30 साल के उम्र के बीच की है ना? लगती तो है। आइए सर, यह है इंस्पेक्टर फुले। फुले? हेलो। यह है कांस्टेबल मासूम कुमारी। हेलो। आइए, यह है इंस्पेक्टर रूपमती। कौन? रूपमती। हेलो। आइए, और यह है इंस्पेक्टर कमसिन गुप्ता। ये सब पुलिस में? जी हाँ। आप सब जा सकती हैं। जाओ। और कोई नहीं है क्या? और है, आती होगी, लेकिन बहुत गर्म दिमाग की है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में उसे अब तक 56 के नाम से जाना जाता है। 57 में मरा था तेरा ID के, जिसको मैंने ठीक किया है। अब वो कुछ और उठाए ना उठाए, तेरा फोन जरूर उठाएगा। ये कौन है? सर ये है उर्मिला मारतोड़कर। उर्मिला मारतोड़कर चलेगी? थोड़ी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी बट चलेगी। चलेगी। कमिश्नर साहब, अगर मैं पहनूंगी कपड़े कम और बोलूंगी वेलकम, तो वो रेपिस्ट तो क्या, कोई आम आदमी भी मेरे को नहीं छोड़ेगा। क्यों डॉक्टर स्क्रू वाला, नॉर्मल बात है ना? नॉर्मल? ये आदमी आपको नॉर्मल लगता है? लाइट्स ऑफ। माफ करना मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। सरिया डालू क्या? सरिया, रुको रुको, इसने तुम्हें पहचाना नहीं, मतलब इट्स वर्किंग। बस एक चीज बदलनी पड़ेगी, तुम्हारी भाषा। उर्मिला मारतोड़कर। उर्मिला मारतोड़? वो बाथरूम में नहा रहे। हेलो, जस्ट एक्सक्यूज मी प्लीज 1 सेकेंड, जरा बाहर जाओ। थैंक यू वेरी मच, सॉरी टू मेक यू होल्डिंग द फोन, बट आपने मिसेस स्क्रूवाला को बताया तो नहीं कि आप कौन है? ना रे। गुड, उन्हें अचानक पता लगा तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। होल्ड ऑन प्लीज। शक करना बंद करो। आप उसके घर हुआ ही? हाँ हुआ ही, हुआ ही। बहुत गंदी नजर है साले की कुत्रिया। लैंग्वेज मिस मारतोड़कर, भाषा का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने जबान पलटी, बोला खरीदने वरीदने का नहीं है, भाड़े पे दे दो। गुड गुड, उसने आपको ये कहते हुए सुना? हाँ सुना सुना। अब जो वो बोले वो करना, डोंट आर्ग्यू, वो आपके पीछे जरूर आएगा। आओ ना। आओ। देखो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, तुम्हें ये मकान किराए पर चाहिए ना? मिल जाएगा। एक्चुअली तुम्हें भाड़ा देने की जरूरत ही नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकती हो जैसे मैं रहता हूँ। मगर मगर तुम चढ़ने में कैसी हो? क्या बोला रे? नहीं, वो किसी को पता ना चले इसलिए पीछे से चढ़ना उतरना होगा। वैसे यहाँ काम बंद है, कोई आता वाता तो नहीं है। तुम डरो मत, बस रहने के लिए आ जाओ। कब? आज रात के 2 बजे। ओके। एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? उर्मिला। राहुल, नाइस टू मीट यू।
आ जाना हाँ 2 बजे रात को. I'll see you. Bye. क्या रात के 2 बजे वो भी अंधेरे में बिना प्रैक्टिस के ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा. ओके आपने पीसीओ से फोन किया ना? हाँ सर मैं पीसीओ से ही बोल रही हूँ. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका मोबाइल नंबर मेरी बीवी के हाथ लगे. आप ऐसा करिए 5 मिनट बाद मोबाइल पर फोन करिए. फोन रखिए. चमेलिया मुझ पर शक करना बंद करो. तो देखो कहाँ से फोन आया था. दी बोलिए. अभी अभी आपके यहाँ से किसी लड़की ने फोन किया था. अरे मैडम यहाँ तो कितनी लड़कियाँ आके फोन करती है. मैं किसका हिसाब लगू. आखिर मेला भी तो धंधा है ना. क्या धंधा है आपका? लॉन्ड्री का. क्या? मैं लॉन्ड्री तब लाई करता हूँ ना. आप लॉन्ड्री थल भी ताई है. मुझे यकीन नहीं हो रहा यार कि उसने मेरी बात मान ली. वो आ रही है यार. तिल वाली लड़की घर आ रही है मेरे साथ रहने. अब हम साथ साथ रहेंगे. अबे साथ साथ नहीं, 7-8. मैं भी तो रहूंगा. अरे थोड़े दिनों के लिए तू बॉस के घर पे रह लेना यार. बॉस के घर पे? वैसे भी आजकल बॉस की नाइटी नाइट सूट पहने बगैर मुझे नींद ही नहीं आती. इट्स सो डिफिकल्ट. वैसे वो तेरी वाली का क्या हाल है? हाल तो बड़ा बेहाल है यार. उसके माँ बाप भी ना हिटलर के खानदान से हैं. तूने बताया नहीं किरण जर्मनी से है? अबे हिटलर का मतलब है कि स्ट्रिक्ट है. उस बेचारे को एक कमरे में बंद करके रखा है. अब मुझे नहीं लगता मैं उसके बगैर जी पाऊंगा. आई मीन उसके पैसे के बगैर जी पाऊंगा. मैं तो कब का उसके मरीन ड्राइव के फ्लैट में सेटल हो चुका हूँ यार. तो फिर क्या करने की सोच रहा है? आज जा रहा हूँ उसके घर और दिखा दूंगा कि मैं भी क्या चीज हूँ. नहीं आजकल मेरे जैसे हैंडसम दामाद मिलते कहाँ मार्केट में. लाशें गिर जाएंगी, लाशें फ्रीज हो जाएंगे देख के मुझे. मुन्ना कितनी ब्लैक की कमाई से ये व्हाइट हाउस बनाया था तुम्हारे पिताजी ने. हाँ बनाया तो था लेकिन किरण की वजह से बेचना पड़ रहा है. वो बाहर तो आ रहे हैं ना घर देखने? नहीं उसका बेटा आ रहा है. उसकी जल्दी शादी होने वाली और शादी के बाद वो ही आ रहेगा. आइला ये बंगले की ऊंचाई देखकर मेरी प्यार की गहराई और भी बढ़ गई. He loves me not. तू भी ना एकदम पागल है. हाँ प्यार में पागल. किरण वाह कितना हैंडसम है. ये किरण के बाजू में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कॉम्बिनेशन कौन है? अरे ये तो वही है ना जो डीके के स्टोर में. हाँ मतलब पहले डीके अब ये. समझ में नहीं आता तू उन पर जादू क्या करता है. आखिर तुझ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तेरे एक्स्ट्रा. हाँ मैं तू ऊपर आ रहा है. जाने अब क्या होगा. मैं आ रही हूँ जानू. मैं आ रही हूँ. रुक जाओ किरण. किरण प्लीज कुछ करो. किरण रुको. Cool dude. How are you Ram? Cool man just chilling. शायद वो आ गए. आइए. वेलकम. पार्टी तो भलता ही रेशन दे रही है यार. आइए. बाय.